हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग के बारे में। तो किंग का जो तू आके देख ले ट्रैक है वो अभी स्पॉटिफाई पे 100 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है। तो अब बात कर लेते हैं रॉप्सी के बारे में। तो रॉप्सी ने एक ट्रैक अनाउंस कर दिया जिसका नाम है गलौटी कबाब। तो अब बात कर लेते हैं एमीवे और ज्योति सरदार के बारे में। तो एमीवे का जो चुजम्बा ट्रैक है उसके ऊपर ज्योति सरदार और श्रुति ने रिएक्ट करा था, तो उन्हें ये ट्रैक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उनका क्या कहना था यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो। एक मतलब क्या है पूरे गाने का और जो बातें बोली गई हैं, अल्टीमेटली इट वॉज अबाउट वन बॉडी पार्ट एंड आई डोंट नीड हिम टू टेल मी अबाउट दैट बॉडी पार्ट बिकॉज यू नो देयर इज एन एंटायर देयर आर इंडस्ट्रीज देयर आर बिग इंडस्ट्रीज विद लाइक मल्टीबिलियन डॉलर्स invested in those industries which will give me a much better visual appeal than listening to the song. Let's so why am I going to you mean gay porn? Like I feel like he's just there to gay porn like after listening to this song. No, I am saying porn itself, or if they're talking about gay porn, or if they're talking about, he's just talking about one body part. I mean, let's just get this straight, that this song was just very like, I didn't know what to take out of it. I didn't know what to listen. I mean, even if I kept aside all the times, anyway, जब कोई लड़कियों के बारे में ऐसी बात करता है तो immediately switch off हो जाता है। तो अगर आप उसके अलावा भी सुनते रहो किसी तरह, आप घसीट के खुद को सुन रहे हो बिकॉज अभी सुनना है, राइट? नाउ आई एम एक्चुअली सुपर एक्साइटेड अबाउट कृष्णाज रिप्लाई बिकॉज दिस सॉन्ग इज मेकिंग मी एंग्री इनफ टू वॉन्ट टू नो हु आफ्टर दिस इज गोइंग टू रिप्लाई टू हिम। तो इसके बाद से कल अमिंक जो है वो एक स्टोरी डालता है रिएक्शन चैनल्स के लिए। DHH रिएक्शन चैनल्स आर क्लियरली हेटिंग एमीवे फॉर द नंबर्स ऑफ टाइम ही यूज्ड गाली एंड अब्यूजिंग लैंग्वेज। डूड, यू कांट जज हिम फॉर दैट। दिस इज हिप हॉप, यू हैवंट सीन इट। रूट्स यू कैन लिसन, RIP दैट पुसी और बाहर के गाने जिनमें गाली है। यू गाइज नो कि द हेट इज अगेंस्ट एमीवे, सो यू जस्ट वॉन्ट्स टू गो विद द फ्लो। अगर इतना ही हेट है तो डोंट रिएक्ट टू द आर्टिस्ट। नोट, आई डोंट सपोर्ट एनी बीफ, बस बुरा लगता है तुम बिकी हुई रूह को देख के। तो आप लोग का इसके बारे में क्या कहना है बता सकते हो। तो एमीवे से रिलेटेड एक और अपडेट है। तो राइचू जो है वो एक स्टोरी डालता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि एमीवे जो है वो नेमार से मिलने गए हुए थे, तो वहाँ की एक क्लिप निकल के आई है। आई स्पॉटेड एमीवे इन बैक रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंडिपेंडेंटली हसलिंग। एनीवेज, नेक्स्ट अपडेट डीनो जेम्स की साइड से है। तो डीनो जेम्स की जो डी एल्बम आने वाली है उसके अभी ट्रैक लिस्ट आउट हो गई है। तो इसमें होने वाले टोटल 13 ट्रैक्स और ये जो एल्बम है वो 24th मई को आने वाली है। तो नेक्स्ट अपडेट फिराक की साइड से। तो फिराक से उनके Q&A में पूछा जाता है बेला के बारे में, तो उनका कुछ ऐसा कहना है। यार बेला का मैं सिर्फ आर्ट पे कमेंट करूंगा, ठीक है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड एंड ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट हिज आर्ट, जो कि उसके लेटेस्ट काम में बहुत दिखता है। सो यू कैन गो चेक हिम आउट। इसके अलावा लिल बंटी ट्रैक के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक था यार, थक गया हूँ यार टू बी ऑनेस्ट इस बीफ कल्चर से। It would be great seeing Krishna bhai putting more songs like No Losses. तो अब बात कर लेते हैं Nasty Ninja और रॉप्सी के बारे में। तो जैसे कि कल Nasty Ninja ने एक लेबल के बारे में बात करी थी पर उसका नाम नहीं लिया था, तो रॉप्सी जो है वो Nasty Ninja की स्टोरी पे कुछ ऐसा लिखते हैं। Nasty Ninja, don't worry, this label wants to be the desi death row. तो रॉप्सी का कहना है कि Nasty Ninja जिस लेबल के बारे में बात कर रहे थे वो कलमकार है। तो ये रॉप्सी का कहना है। फिलहाल Nasty Ninja की तरफ से कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है, तो आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह का जो ट्रैक आने वाला था डिजाइनर वो ड्रॉप हो चुका है, तो आप लोग जाके सुन सकते हो। इसके अलावा ख्वाबिदा का सेकंड ट्रैक ड्रॉप होने वाला है कल जिसका नाम है एक तरफा। तो नेक्स्ट अपडेट करण औजला की साइड से। तो करण औजला की जो वे अहेड EP है वो एप्पल म्यूजिक की टॉप एल्बम्स में ट्रेंड कर रही है 4th नंबर पे। तो अब बात कर लेते रफ्तार और जन्नत जुबैर के बारे में। तो जन्नत जुबैर ने एक रील डाली है जो कि काफी पुरानी है, जब रफ्तार का घड़ा का सूटा ट्रैक आया था तब के टाइम किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट एग्जी और हरजस की साइड से। तो इनका काफी जल्दी एक कोलैबोरेशन आने वाला है, तो फिलहाल तो वेट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक मिक्स टेप के बारे में जिसका नाम है यंग ब्लड 3 मिक्स टेप। तो इसमें होने वाले टोटल 7 ट्रैक्स और इसमें दो बड़े आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे जैसे कि ऋषि रॉय और हरजस। तो वेट करते हैं, जैसे ही कुछ अपडेट आती है इससे रिलेटेड मैं आप लोग को बता दूंगा। तो नेक्स्ट अपडेट अंकित खन्ना की साइड से। तो अंकित खन्ना जो है वो कुछ ऐसा ट्वीट करता है। कृष्णा एंटर्ड स्पॉटिफाई 200 विद लिल बंटी, ही वॉज डेफिनेटली 100% राइट दैट डे व्हेन ही सेड इस साल खत्म कर देंगे। कलमकार अवाम, लेट्स टेक दिस हायर एंड शो द पावर ऑफ इंडियन हिप हॉप। तो स्पॉटिफाई चार्ट्स के जो टॉप सॉन्ग्स हैं इंडिया के उसमें अभी ट्रेंड कर रहा है लिल बंटी, साथ ही इस ट्रैक ने ऑलमोस्ट 2 दिन में 200K प्लस स्ट्रीम्स क्रॉस कर दिया है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।